हेलो फ्रेंड्स, दिव्या हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे बच्चों का मनपसंद चाइनीज नूडल्स समोसा। तो आइए देखते हैं इसकी बढ़िया सी रेसिपी। चाइनीज समोसा के लिए मैंने ये पट्टियाँ ली है, इस तरह से कट किया है और ये पट्टी घर पर बनाई हुई है। आप अपने हिसाब से साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये नूडल्स हैं, नूडल्स को मैंने बॉईल कर लिया है और जो नूडल्स स्टिक आती है इस तरह से मैंने इसे पहले ही बॉईल करने से पहले ही कट कर दिया था, जिससे कि ये उबलते समय अच्छे से इस तरह से खुली खुली हो जाए, क्योंकि हमें स्टफिंग के लिए ऐसी ही नूडल्स चाहिए। ये गाजर है जिसे बड़ी छीनी से छीना हुआ है। कैबेज है, पत्ता गोभी उसे भी उसी तरह छीन लिया है। अब ये एक बड़ा प्याज है जिसे इस तरह से कट कर लिया है और उसे खुला कर दिया है। और ये अदरक लहसुन और मिर्ची को बारीक कट कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या दिव्या स्वागत। अब कढ़ाई को मैंने स्लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच जैसे ऑयल ऐड करते हैं। अब इसके अंदर हमें अदरक लहसुन मिर्ची जो कट किए हैं इसे ऐड करते हैं। अब इसके फ्राई के बाद हमें ऑनियन को ऐड करना है। अब इसी के अंदर हमें पत्ता गोभी को ऐड करना है। अब गाजर को ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम नूडल्स को ऐड करते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये चाइनीज समोसा है इसलिए इसमें नूडल्स, आप कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अब इसके अंदर एक चम्मच विनेगर को ऐड करना है। एक चम्मच सोया सॉस को, चाइनीज है तो सोया सॉस तो आएगा ही। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में इसमें हम सॉस को ऐड करते हैं। सॉस आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। अब ये समोसा का स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। अब ये पट्टी को इस तरह से हमें रखना है समोसा के लिए। और इसके अंदर ये मैंने स्लरी बनाई हुई है मैदे के पेस्ट की, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस तरह से इसका घोल बना लिया है। अब इस घोल को थोड़ा सा हमें यहाँ पर लगाना है और इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है।
प्लस साइन बनेगा इस तरह से। और एक चम्मच स्टफिंग को हमें इसके अंदर फिल करना है और इस पट्टी को हमें यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर इस स्लरी को हमें लगाकर दूसरी बाजू को इसके ऊपर स्टिक कर लेना है। फिर से हमें ये स्लरी को लगाना है और ये बाजू को हमें स्टिक करना है इसी तरह। इसके ऊपर स्लरी के बाद ये पॉइंट को भी हमें इस तरह से स्टिक कर लेना है। देखिए अब हमारे सारे समोसा इस तरह से रेडी है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए लेते हैं। अब कढ़ाई को मैंने मीडियम स्लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक करके हम समोसा को फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम स्लो ही रखना है जिससे इसका कवर अच्छे से फ्राई हो जाएगा और ये क्रंची भी लगेगा। अब हमारे समोसा गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इसे अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से देखिए। अब इसी तरह से मैं सारे समोसा को फ्राई कर लेती हूँ। रेडी है हमारा चाइनीज समोसा गुड़ और इमली की चटनी और सॉस के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों का मनपसंद चाइनीज समोसा। आप इसी तरह घर पर बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए।